हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आप सबको। तो आज है, कल था मतलब तिला संक्रांति, मकर संक्रांति, तो आज उसके दिन मतलब बाद वाला दिन है। तो आज ना, तो आज मेरा भाई भी आएगा और मेरे यहाँ पे ना मेरे देवर का मतलब ये क्या बोलते हैं, 6 का तिलक मतलब वो होने वाला है। तो मैं अभी उसी के यहाँ पे जा रही हूँ, तो दिखाऊंगी कैसा। आ यहाँ पे आयुष को देखिए, क्या हुआ बेटू? ये बोल रहा है कि चलो ना, तो मैं दिखाऊंगी कैसे क्या होता है। ज्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगी, मैं थोड़ी देर ही रहूंगी। तो चलिए मैं चलती हूँ, दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ इनके अंगना में, मतलब मैं अपने चाची सास के घर पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे खाना बन रहा है। तो इसमें ना सब्जी बन रहा है, बड़ा सा मतलब पतीला है। तो यहाँ पे ना भोज मतलब जो होता है शादी ब्याह में, तो इसी में खाना वाना बनता है, इसी बर्तन में। तो यहाँ पे खाना बन रहा है, यहाँ पे सब कुछ सब्जी और काट उट के रखा है। तो हमारे यहाँ यही सब 2-3 रंग का सब्जी बना था, और पकौड़ा उकौड़ा, चावल दाल, और यही सब कुछ मतलब बना था। समोसा उमोसा सब बहुत कुछ बना था। तो वह यही मैं दिखा रही थी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पनीर का भी बन रहा है। तो पनीर का फ्राई करके बनाएंगे, तो पनीर फ्राई कर रहे हैं। मैं चूल्हा ले ही चूल्हे के पास ही बैठी थी। बहुत काफ़ी ठंडा था, मौसम बहुत ठंडा था, तो आगे से उठने का मन ही नहीं हो रहा था। तो मैं तो वहीं पे बैठी थी, और बैठ के ही मतलब कर रही थी कुछ कुछ काम उम, मतलब चूल्हे के पास से ही। तो इस तरह से ना शादी ब्याह में 2-3 आदमी मिलके बनाते हैं खाना, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है बनाने में, मज़ा भी आता है। सब से मतलब बातचीत करो, कहीं कहीं का बात से मतलब चलता रहता है, हंसी मजाक सब। तो ये यही सब चलता रहता है, काम भी होता रहता है, तो अच्छा लगता है। मतलब इतना सारा आदमी सब रहता है, तो यही मैं दिखा रही थी। तो मेरे देवर का ना मतलब मेरा अपना देवर तो नहीं है, मतलब मेरी चाची सास का मतलब लड़का है, तो उसी का मतलब आया था तिलक फलदान करने। हम लोग यहाँ फलदान बोलते हैं। तो यही आया था फलदान करने, तो वही सब खा। और मैं तो यहाँ पे आ गई थी ना, मैं इनके घर पे आ गई थी। और मेरे यहाँ पे मेरे आंगन में मतलब जितना भी गेस्ट और मेहमान था, सारे मतलब मेरे यहाँ भी है, मेरे यहाँ पे थे। तो वो लोग 1-1.5 बजे के लगभग आया था, और मैं उससे पहले आ गई थी और शाम में गई थी। मतलब 3-4 घंटा, मतलब मानिए 3-4 घंटा मैं उनके घर पे रही, फिर शाम में मैं आ गई थी। और यहाँ पे चाय मतलब कर रहे हैं, तो वो लोग मतलब घर पे थे आदमी सब, तो मैं अपने घर पे नहीं जा पाई थी। तो इतने आदमी सामने में क्या करती अकेले में वहाँ पे। तो मैं इसी आंगन में मतलब अपना टाइम मतलब उतना मतलब रहा, अच्छा भी लग रहा था। लेकिन ये मेरे दादा ससुर है, तो ये मेरे और यहाँ पे मटर उटर छील रहा है, ये देखिए मेरे सासू मम्मी, और ये गांव के मतलब और सब है पड़ोसी। और तो हमारे यहाँ ना इसी तरह से मतलब कुछ मतलब इसी तरह से मतलब होता है। और जब तिलक का रस्म हुआ ना, तो ये मेरे ही आंगन में हो गया था, मेरे ही घर पे। वहाँ पे जो आदमी था ना, वहीं पे मतलब तिलक का रस्म हो गया था। तो हम लोग सोचे थे कि घर पे आंगन में होगा, लेकिन वो लोग वहीं पे करा दिए। तो मैं उतना सूट नहीं कर पाई, अगर मैं अपने आंगन में रहती तो कर भी लेती थोड़ा बड़ा, क्योंकि मैं यहाँ पे थी और मेरे आंगन में हो गया, दो आंगन है, तो इसलिए मैं उसका सूट नहीं कर पाई, सिर्फ खाना उना का ही मतलब सूट कर पाई हूँ। तो वही मैं जो है वही मैं दिखा रही हूँ, कुछ मतलब दिखावा यहाँ नहीं है, जो ये सारा मतलब रियल है, जो होता है मतलब सेम ऐसे ही होता है, कुछ मतलब दिखावा नहीं कर रही हूँ वहाँ पे। और यहाँ पे मैं पकौड़ा तल रही हूँ, तो मैं किसी को बोली कि चलो थोड़ा सा मतलब मेरा भी ले लो, नहीं तो लोग कहेंगे मतलब दूसरे आदमी का मतलब है और वीडियो डाल रही है। तो इसलिए मैं अपना अपना भी मतलब थोड़ा सा दिखा दिया। और यहाँ पे देख रहे हैं, 2 आदमी से मतलब मैं या यहीं पे चूल्हा पर मतलब बैठी थी, अपना आग भी ताप रही थी और खाना भी मतलब पक रहा था। तो मैं यहाँ से यहीं पे बैठी रही काफ़ी देर तक, यहीं पे थी, अच्छा भी लग रहा था।
सब मुझे कह रहा था कि तुमको मतलब आसान काम मिला है, हम लोग को भारी काम मिला है। तो हम लोग यहाँ ना और सभी मतलब मिल के खाना उना इतना मतलब बना लेती है। तो 15 आदमी आया था शायद, हाँ 15 आदमी आया था मतलब देखने, लड़की के तरफ से 15 आदमी आया था। तो इतना आदमी का और जितना भी मतलब अड़ोसी पड़ोसी है अपना, मतलब बहुत सारा आदमी हो जाता है ना, तो इसके सब के लिए मतलब खाना वाना बनता है। और ये मेरी चाची सास है, मतलब इसी का लड़का के मतलब वो जो मतलब ये क्या बोलते हैं, वो जो छिट्टा पथिया मतलब लेके जा दौड़ा, तो उसी का लड़का का मतलब हो रहा है शादी। तो वही है वो जो मतलब है घर के मतलब गेट कुछ कर रही है वो, ऑरेंज साड़ी वाली। और यहाँ पे पापड़ मतलब तल रहे हैं, पापड़ ऊपर मतलब ये मतलब पूरी मतलब पूरी सब्जी रसगुल्ला ये सब मतलब नहीं, मतलब ये सब नाश्ता में हुआ था। और ये खाना के टाइम में ना दाल चावल ही खिलाएंगे, दाल चावल 2-3 रंग का सब्जी पापड़ पकौड़ा वकौड़ा यही सब मतलब पनीर वनीर सब दिए थे, और नाश्ता में ये सब चला था। तो मैं नाश्ता कभी नहीं दिखा पाई हूँ ना, नाश्ता भी मतलब मैं इधर खाना बना रही थी उधर नाश्ता सब दे रहे थे, तो मैं नाश्ता कभी नहीं कर सूट कर पाई। और यहाँ पे देखिए मेरे दादा ससुर है, और वो जो आदमी जो बैठा है वो मतलब लड़की का मौसा है शायद, वही सब बातचीत कर रहे थे। और मैं यहाँ पे थोड़ा सी सूट कर रही थी, मेरी ये बरामदा है सोडा गेट का, तो मैं थोड़ा अपना भी दिखा देती हूँ। आयुष को देखिए, आयुष को आयुष का मस्ती चल रहा है ना, आयुष बाबू, आयुष बाबू है ना अभी ना, आयुष मेरे पास ही है तो वो भी वीडियो देख रहा है। और ये जो लड़का है ना, ये जींस जो पहना है काला मतलब शर्ट वाला ब्लैक शर्ट वाला, तो यही लड़का है, इसी का मतलब शादी होगा। तो यही है वेदेवन, तो मैं सोची मैं कही कि आओ तुमको भी थोड़ा दिखा देती हूँ। और यहाँ पे ना यहाँ पे मतलब जितना पकोड़ा वकोड़ा था ना, तो वही से पकोड़ा सब मतलब प्लेट में लगा रहे थे, ताकि खाने के टाइम में ना मतलब देने में आसान हो, जल्दी जल्दी ना हो। और यहाँ पे देखिए बच्चा लोग ये सब मतलब, वो जो है ना एक मेरा भाई है, मेरा भाई आ चुका है शाम में, 3-4 बजे आ गया था, मैं इसी आंगन में थी तो आ गया वो। और यहाँ पे आग ताप रहा है, सब बहुत ठंडा था, बहुत इतना मौसम खराब, इतना मौसम तो बहुत खराब था इसलिए। और इस टाइम ना अब मैं जा रही हूँ, अब शाम हो चुका, अब वो लोग खाने आ जाएंगे, तो मैं जा रही हूँ, शाम होने वाला है तो मैं अपने घर जा रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे इनका घर है, और ये ठीक सामने जो है रोड के ठीक सामने मेरा घर है। देखिए मैं एक भी वीडियो कटने कर रही हूँ, सीधा मैं ले चलती हूँ अपने घर। ये देख रहे हैं ना लाल पर्दा वाला, वही मेरा घर है गेट। ये देखिए ये गाड़ी, इसी का 2 गाड़ी से आया था, एक ये गाड़ी है एक सामने वो गाड़ी है, 2 गाड़ी से आया था ये लोग। अब ये देखिए ठीक सामने मेरा घर, मैं आ गई हूँ। देखिए सब आदमी सब लोग है ही, अभी आग ताप रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैं मोबाइल को ना ये करके ही मैं सीधा घर में आ गई हूँ, और यहाँ से दिखाती हूँ। और यहाँ देखिए यहाँ पे ये मेरा भाई आ गया है आयुष को लेके। तो यहाँ पे देखिए इसका मस्ती कितना मस्ती कर रहा है, जूता पहन के बेड पे चढ़ गया है। अरे देखिए कौन है बेटा, कौन है? और यहाँ पे ये सब लोग चल गए थे, आयुष तो मस्ती उस्ती करके चल गया था, और ये लोग खाना खाने चल गए हैं। तो मैं थोड़ा सा मतलब दिखा रही थी। यहाँ पे देखिए इतना सारा आग मतलब जो जरना होता है ना, जो चूल्हे में जलाने वाला, वो सारा जरना इतना मतलब जला के आग मतलब लगा दिया था ना, कोई नहीं तापने वाला था, इतना आग तेज था। घर पे कोई नहीं था, मैं अकेले थी, तो मैं यहाँ पे आके बैठ गई।
और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सारा कुर्सी लगा है ना, सारे पे आदमी बैठा था। कहने मौसम बहुत खराब था तो सब लोग ना मतलब इसी घर में मतलब बैठे हुए थे। अब मेरे आंगन में चौकी निकाल दिया है और इस आंगन में मतलब सब लोग बैठे थे। हवा भी नहीं आ रहा था और थोड़ा मतलब ये था तो इसलिए। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ वही नाश्ता जो दिए थे उस आंगन में, वही नाश्ता मैं खा रही हूँ यहाँ पे। अब मैं आग भी ताप रही हूँ, ये देख रहे हैं ना कैसे करके खा रही हूँ। मतलब इस टाइम ना अच्छा लग रहा था, मतलब आग तापने में और खाने में कोई नहीं था घर पे। और यहाँ पे देख रहे हैं ना मैं यहाँ पे खा रही हूँ। और आयु सब लोग जा इस टाइम ना सब लोग चल गए हैं तो हम लोग यहाँ ना कुछ इस तरह से हाय होता है। फ्रेंड, तो मैं अभी आ चुकी हूँ और यहाँ पे देखिए आग कितना है, बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम इतना खराब है ना बहुत। अभी देखें कितना हो रहा है अभी टाइम, अभी 5 ही बज रहा है। 5 बजे इतना मतलब अंधेरा भी होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। तो देख सकते हैं धुआं लग रहा है आँखें में, इसलिए ऐसा हो रहा है मेरा आँख। तो यहाँ पे आग देख सकते हैं, तभी सब लोग गए हैं गेस्ट और जितना भी आए थे ना सब लोग गए हैं मतलब अभी खाना खाने। तो मैं यहाँ पे ये चौकी निकाल दिया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरह से सब मतलब मेरे ही घर पे था। तो मतलब जितना भी मेहमान था सब मेरे ही घर पे था, तो मैं ज़्यादा ये मैं घर पे नहीं आई हूँ इसलिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। और मैं यहाँ पे खा रही हूँ मिठाई, ये मेरा भाई लेके आया था ना तो वही मिठाई मैं खा रही हूँ आप लोग सबके साथ। और मैं यहाँ पे खा रही हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ना मिठाई मतलब दिखा रही थी, ये मिठाई ना सबको, मैं अपने ससुर को सास को मतलब और मेहमान आए थे फूफा जी सब, वो सबको मतलब खिला दिए हैं, बस 2-4 बच गया है। ये बिस्कुट आयुष ना फाड़ के मतलब फूफा जी लेके आए थे मेरे, तो ये बिस्कुट को ऐसे ही मतलब फाड़ के रख दिया है। मैं उसी घर पे थी और ये मेरा भाई लेके आया था कुछ लाई वो सब मतलब मुरमुरा चूरा यही सब होता है ना, तिला संक्रांति मकर संक्रांति में लेके आते हैं तो वही लेके आया था। ये छोटी छोटी चीज़ ना हम लोग को मतलब बहुत मायने रखता है तो इसलिए इसको इग्नोर करिएगा। और यहाँ पे हो रहा है ना विदाई हो रहा है तो यहाँ पे सभी गेस्ट मेहमान को कपड़ा मतलब दे दिए हैं, कपड़ा देना होता है जाने वक्त में सबको, तो सबको कपड़ा दे दिए हैं। सबके हाथ में देख रहे हैं ना पन्नी, तो सबके हाथ में थैला है, सबके कपड़ा मतलब दे दिए हैं विदाई में दे दिए हैं। तो ये ना कोई मतलब मैं अपने में कोई लड़की को दे दिए थे फ़ोन तो वो मतलब शूट कर रहा था, मैंने शूट की थी ये वीडियो इसलिए इतना मतलब हो रहा है, मोबाइल हिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये लड़का आ गया है मतलब जिसका शादी होगा ये, तो ये मतलब गोर लगने ये लोग जा रहे हैं ना तो गोर लगने आए हैं, तो सब लोग पैसा देंगे इनको गोर लगाए तो यही सब लोग दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब जा रहे हैं, अब गाड़ी में बैठ गए हैं सारे मेहमान तो ये सब लोग जा रहे हैं। तो आज का मेरा यहीं तक था आज का मेरा वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।